हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद अल्फा। सुबह के यार कितने 1:45 हो रहे हैं और अपन अभी लेयरिंग अप कर रहा है केदारनाथ समिट ट्रैक का। सो एज ऑफ नाउ आज है आई गेस कितना होगा यार, चेक करना पड़ेगा 12-25। अरे आज क्रिसमस है यार, आज क्रिसमस का दिन है और अभी हम चल रहे हैं। सुबह के 1:45 हो रहे हैं केदारकंठ समिट ट्रैक पे। लेयरिंग कर लिए दो ड्राई फिट, एक स्वेट शर्ट ब्लैक, ठीक है। नेक फॉर्मर पहनना है मैंने, कहाँ गया एक तो यहाँ पे अंधेरे में सबको ढूंढना है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें भी पहनते हैं, डाउन जैकेट पहनते हैं, फिर रेडी होके निकलते हैं बाहर, ब्रेकफास्ट करते निकलते हैं। दिखाता हूँ चलो थोड़ी देर में रेडी होके। सो गाइस अभी रेडी हो गए अपन, देखो स्कार्फ, टॉर्च, शूज़, ठीक है, मेरे नॉर्मल है। और मेरे पीछे देखो, मैं दिखाता हूँ वो है टॉपिक, दिख रही है सुबह कितनी जगमुगार सर है ना, वहाँ जाना है, स्टार्स हो रहे हैं। चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। सुबह 2:15 बजे का ब्रेकफास्ट है भाई। भाई लोगों अभी कम से कम बहुत ऊपर आ चुके हैं। टाइम कितना हो गया, 4:30 हो गए हैं यार, ठीक है। 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, अभी ऊपर चल ही रहे हैं और अभी तक हार्ड डिस्टेंस नहीं हुआ। थोड़ा फ्लैट बैठता है स्टार्टिंग 200-300 मीटर्स के बाद, उसके बाद नहीं है। वो देखो फॉरेस्ट फायर लगी हुई है वहाँ पे, ठीक है, फॉरेस्ट फायर है। वो देखो पूरा ट्रेल ऊपर तक, साइड में बना है। वहाँ नीचे तक है, वहाँ से कितना नीचे से आ रहे हैं, ऊपर आ गए हैं। चांद भी लेवल में लग रहा अब तो। और देखो बर्फ है, हल्की हल्की पैचेस है। और देखो ऊपर और ऊपर जाना है, अभी तो इंक्लाइन नहीं चल रहा भाई। हम कितना ऊपर आ गए हैं, सारे स्टार्स ही दिख रहे हैं यहाँ पे तो यार। मैंने तो लास्ट तक बोल दिया, तो टॉप पे दिख रही लाइट, वहाँ से देखते हैं कितना और दूर बचा है। शायद अभी <1 किलोमीटर होगा, अभी भी है भाई काफ़ी यार। अभी भी असेंट बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है। चढ़ाई सिर्फ एक ही बड़ा था, चाय वाला, वो भी नियरली 2 किलोमीटर के आसपास होगा। कैंप से काफ़ी लंबा है चाय वाला भी। और ऊपर इंक्लाइन है, देखो दिख रहा है टॉप पे बंदा है। और ऊपर जाना भी, ये नियर बाय पहुँचने का आसपास का एरिया ना। सनराइज स्टार्ट हो चुका है। दिल मांगे एंड। सो अपन नियर बाय पहुँचने वाले हैं और हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि कुछ ज़्यादा असेंड हो रहा है, तो हल्का हल्का ऑक्सीजन का दिक्कत स्टार्ट हो चुका है, बट हमें भी अच्छा दिख रहा है। तो चलते हैं थोड़ा रेस्ट करके, पानी वानी पी के आगे का व्यू देख। सभी तो ये व्यू है यहाँ का, पीछे का वहाँ से सनराइज हो रहा है, ठीक है। सुबह हो चुकी है और टाइम कितना हो रहा है, रुको भाई 7 बनने वाले। और वो पीछे पिक्स का सीन, अभी बहुत दूर है यार, बहुत दूर है। चलते हैं, वो टॉप में सबमिट है, ठीक है, टॉप में सबमिट है, वहाँ जाना है, टॉप में सबमिट में जाना है। और ये व्यू है, कहाँ गया हालत खस्ता है बहुत ज़्यादा। ये हो रहा है हमारा सनराइज़, ये बन रहा है गोप्रो के अंदर टाइम लैप्स, और हम बैठे हैं आराम से एंजॉय कर रहे हैं इस व्यू को। मैक्सिमम लोग तो ऊपर पहुंच चुके हैं यार समिट पे। ये समिट है, वैसे हम समिट का ही पार्ट है, बट समिट के अंदर टॉप एंड ये ऊपर वाला ना, ये वाला है, और यहाँ से ये व्यू है। सो अपना ग्रुप में कुछ लोग थे थोड़े स्लो थे, तो कहा कोई नहीं सनराइज ने देख लेंगे, आराम से चलते हैं। तो पहले सोचे वापसी निकल लें यहीं से, तो फिर थोड़ा कि चलो यार धूप भी आ गई थोड़े। एक तो शूज़ का ये हाल है यार, देखो शूज़ पे ना ये अलग से माइक्रो स्पाइक लगा रखा है ना, तो इससे और ठंडा ठंडा हो रखा है, पंजे बिल्कुल ठंडे हो रखे हैं। आइस है, उस साइड पे पूरा स्नो था और ऊपर ऊपर स्नो है, तो मैं क्या थोड़ा पैर अपने वार्म कर लूँ फिर चलते हैं। टाइम क्या ही हुआ, 8:30 8:30 ऐसे कुछ ही हुआ है हार्डली। यार चाय वाय मिल जाती मज़ा आ जाता गजब वाला। ऊपर चलते हैं, थोड़ा भीड़ कम हो जाए ना, क्या अच्छा तो मैं जल्दी कर ही लूँगा उन सबको। एक दो बंदे तो नीचे बैठ गए हैं, पता नहीं बाकी लोग कितना नीचे हैं। और अपने को क्या स्लो स्लो चलेंगे। एक बंदा वहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है। सबमिट करके जाएंगे। हाँ भाई सबमिट करके जाएंगे। एक ये हमारा भाई पीयूष बड़े। एक बात सच्चे भाई, ये ट्रैक जो क्या नाम है इसका, जो सबमिट है ना, सबमिट इजी नहीं है। हाँ मतलब बेस जो सांकरी से, देखो मैं बताऊँ, सांकरी से जो पहला फर्स्ट कैंप जो लगाते हैं जूड़ा के खिलाफ, जूड़ा का तालाब जो है वो ठीक है, सही है लोकेशन ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कैंप है ना इनका बेस कैंप जो है भाई बहुत ही जल्दी है, हार्डली 2 किलोमीटर के अंदर है, और बहुत मतलब एक बार इंक्लाइन करोगे बस इतना करोगे, उसका फ्लैट है, बहुत जल्दी पहुँच जाओगे यार। और पूरा दिन ख़राब है, मतलब पूरे दिन क्या ही करोगे, फोटो क्लिक करोगे। इससे बेटर है कि ये केदारकंठ का ये जो समिट है इसके अंदर ही कुछ कवर अप कर लेते ना तो इजी रहता। यार रात को कितने बजे, 2-1:30 बजे उठना पड़ा है, 1:30 बजे से पहले उठना पड़ा है, वॉशरूम गए सब कुछ करा, उसके बाद जाके फिर खाया भी कुछ, कहाँ गया आगा? क्या भी मिला था, दलिया बेकार सा, मैंने तो खाया भी नहीं है, मैंने तो टेस्ट ही करा था भाई। चाय भी नहीं मिली भाई, चाय भी नहीं मिली, कोई वो अजीब सी लाल सी चाय थी, ब्लैक टी नहीं थी वो, जो भी था पानीपत। हाँ तो उसके बाद फिर वो बस वहाँ से निकल गए अपन, हम 3 बजे करीब निकल गए थे वहाँ से, 3 या 3 से पहले भाई यही होता है। और अगर यहाँ पे आ रहे हो तो भाई पानी पीते रहो, बेस्ट है, और सुसु करते रहो भाई, थोड़ा सा रह गया। हाँ हाँ खींचते भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, तू आ जाता, बस ये कि सोच के ना आना, अगर मन में है कि स्नो मिलेगा स्नो मिलेगा तो कतई मत आना। स्नो नहीं मिलता भाई दिसंबर एंड तक, जनवरी के बाद आना जब जब क्राउड कम हो जाएगा। हैं चले वी रीच्ड सबमिट, और यहाँ पे है शिव जो बना शिव जी का जो बना रखा है ना ज्योतिर्लिंग टाइप, तो सामने है। अभी चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा रेस्ट करके चलते हैं यार, बैटरी बैटरी सब डाउन हो रखा है। मेरे पीछे जो दिख रहा है वो है वहाँ पे जो एक त्रिशूल को लेकर शिवा मंदिर बना रखा है, बाकी फोटो क्लिक करते हैं अपन लोग। बोलो तेरा तो क्या दिमाग खराब हो चुका है। 12,500 है वो टेम्पल है शिवा जी का, ये त्रिशूल लगा रखा है ना ये सब, तो यहाँ पे आप फोटो क्लिक करते, तो ये मेन समिट है, बाकी पीछे का व्यू बड़ा मस्त है। सो इजी नहीं है, मॉडरेट है, और बर्फ़ में काफ़ी रिस्की था, बीच में कहीं जगह स्लिपरी था, तो भाई प्रिपेयर होके आना कि इजी कोई बोले नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूँ इजी ट्रैक नहीं है। दोबारा चलो नीचे चलते हैं, नीचे आने का रास्ता दूसरा है।